खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, घंटी बजाओ शो में मैं अनुराग मुस्कान आपका स्वागत करता हूं। देखिए, देश की राजनीति में क्या चर्चा है आजकल। चर्चा महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए चल रहे सियासी ड्रामे की सबसे ज्यादा है। लेकिन पहले घंटी बजाने वाली ब्रेकिंग न्यूज तो सुन लीजिए। होटल हयात में शिवसेना ने संविधान को साक्षी मानकर झूठी शपथ ली है। शिवसेना विधायकों ने संविधान को साक्षी मानते हुए गलत शपथ ली है। संविधान को साक्षी मानते हुए शपथ में कहा गया कि महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ जनता ने मुझे वोट दिया। सवाल यह है कि शिवसेना तो बीजेपी के साथ गठबंधन करके लड़ी, तो फिर बीजेपी के खिलाफ वोट पाने की झूठी और गलत बात शिवसेना विधायकों ने शपथ में क्यों कही? मैं अपना मतदार संघ चुना गया, अपना नाम और अपने विधानसभा क्षेत्र का नाम इस पार्टी से, जिस पार्टी से वो चुनकर आए हैं, चुनाव लड़ने के बाद उसमें मैं जीत कर आया हूँ। मी भारतीय संविधानाला साक्ष ठेवून गांभीर्यपूर्वक शपथ घेतो की, मैं भारतीय संविधान को गंभीर रूप से साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि मी आदरणीय सोनिया जी गांधी, मैं आदरणीय सोनिया जी गांधी, आदरणीय शरद चंद्र जी पवार, आदरणीय शरद चंद्र जी पवार, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, आदरणीय उद्धव ठाकरे जी यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी, इनके नेतृत्व में और अपनी अपनी पार्टी का नाम शिवसेना, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, या तिन्ही पक्षांनी एकत्र मिळून स्थापन केलेल्या, ये तीनों ही दलों ने मिलकर स्थापन की हुई एक गठबंधन, तसेच मी कोणत्याही प्रलोभनाला बळी पडणार नाही और उसी तरह मैं किसी भी लालच में ना पड़कर भारत महाराष्ट्रातील जनतेने भारतीय जनता पक्षाविरुद्ध कौल दिलेला आहे। भारत में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अपना मत दिया है, यह मुझे पूरी तरह पता है। तो जो खाते हैं, जो संविधान के नाम पर झूठी शपथ, वो क्या जनता को धोखा ना देंगे? कल संविधान दिवस है। 70 साल पहले 26 नवंबर 1949 को ही भारत के संविधान को अपनाया गया था। लेकिन संविधान दिवस से पहले अब आप मेरे साथ दो तस्वीरें देखिए जिन्हें जनता के साथ रहने की कसम खानी थी। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले सरकार बनाने के लिए आपस में साथ रहने की कसम खाई। कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी के वो विधायक जो तीन दिन से हजारों के किराए वाले 5 सितारा होटल के कमरों में रुके हुए थे। जनता पूछ रही है, वोट जनता देकर सरकार बनाती है या फिर होटल के कमरे में सरकार बनाने में लगे हुए हैं? ऐसे में महाराष्ट्र के एक वोटर ने महाराष्ट्र के होटल राजनीति से दुखी होकर चुनाव आयोग को अपना मताधिकार छीन लेने की चिट्ठी लिखी है। ललित होटल से देखिए काफिला जो है विधायकों का निकल चुका है। आगे देखिए उद्धव ठाकरे का काफिला जो है, देखिए अभी होटल ललित पहुंच गया है। ग्रैंड हयात होटल है मुंबई का और यहां पर ये जो बस खड़ी है जिसमें डेस्टिनी लिखा है पीछे, इसी बस से आए हैं वो तमाम विधायक जो कि शरद पवार के खेमे के। इस विधानसभा चुनाव में शिवसेना के 56 विधायक जीत के आए और इन विधायकों को द ललित होटल में ले आके रखा गया है। आपको कमरे दिखाई देंगे सामने, इन कमरों में 56 जो विधायक है शिवसेना के लाकर रखे गए हैं। तमाम इसमें ऐसे भी विधायक हैं जिनके फोन ले लिए गए हैं, जिनके पास संपर्क का कोई साधन नहीं रखा गया है। देखिए तो ये उद्धव ठाकरे जी का जो काफिला है पहुंच गया। आगे देखिए आपको आदित्य ठाकरे बैठे दिखाई देंगे और पीछे गाड़ी में बैठे हुए उद्धव ठाकरे। जो काफिला है ललित होटल में पहुंचा है, देखिए पीछे भी तमाम गाड़ियां हैं, शिवसेना के और भी तमाम नेता हैं जो सुबह से लगातार ललित होटल आ रहे थे, फिर अलग अलग जगहों पे जा रहे थे। जेडब्ल्यू मैरियट में कांग्रेस के विधायकों को रुकाया गया है, ललित होटल में शिवसेना के विधायकों को रुकाया गया है और यहां पर रेनसेंस होटल में एनसीपी के विधायक रुके हुए हैं। आदित्य ठाकरे भी इसी होटल में पहुंच चुके हैं। इसके बाद उद्धव ठाकरे यहां से इस मुलाकात के बाद जेडब्ल्यू मैरियट जाएंगे। पिछले 3 दिन में मुंबई के 5 सितारा होटल वाली राजनीति के भरोसे सत्ता के 4 चांद लगाने की कोशिश हो रही है। क्या 18,000 रुपए प्रतिदिन के एग्जीक्यूटिव स्वीट किराए वाले ललित होटल में शिवसेना के विधायक ठहराए गए तो अब
20,225 रुपए प्रतिदिन स्टूडियो सुइट का किराया लेने वाले लेमन ट्री होटल में शिवसेना ने विधायकों को बस में भरकर पहुंचा दिया। ललित होटल से देखिए अभी एक काफिला जो है विधायकों का निकल चुका है। आगे देखिए तीन गाड़ियां, इन गाड़ियों में जो शीर्ष नेता हैं वो बैठे हुए, और अब इसके पीछे देखिए बस दिखाई दे रही है। इस बस में तमाम विधायकों को बैठाला गया है। चार से पांच गाड़ियों का ये लंबा काफिला जिसके बीच में ये बस दिखाई दे रही है, और इस बस के अंदर आपको देखिए विधायक दिखाई देंगे। शिवसेना के जो तमाम विधायक है हाथों से देखिए इशारा कर रहे हैं और खुशी इनके चेहरे पर है, कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, हाथों से इशारा करते। देखिए अब ये काफिला निकल गया और इस काफिले के पीछे पीछे तमाम गाड़ियां हैं, पुलिस बल भी मौजूद है और भी जो शीर्ष नेता हैं वो भी शिवसेना के हैं। देखिए पीछे से लगातार काफिला गुजरता चला जा रहा है। बस जो है अब लेमन ट्री होटल की तरफ निकल चुकी है। यहां से जो ललित होटल में विधायकों को रोका गया था, पिछले तीन दिन से इसी होटल में थे विधायक, और अब देखिए पीछे से भी काफिला जो है गाड़ियों का लगातार आ रहा है। और इस बीच विधायकों को ललित होटल से लेकर अब लेमन ट्री होटल की तरफ जाया जा रहा है। कल रेनेसा होटल से एनसीबी ने भी अपने विधायकों को निकाला और हयात होटल लेके गई, और अब यहां पर शिवसेना भी अपने विधायकों को निकाल रही है। एक बस में विधायक निकले और उसके बाद भी जो बड़े नेता हैं और कुछ विधायक हैं वो पीछे पीछे गाड़ियों में निकल रहे हैं। सुरक्षा का बल भी इसमें मौजूद है, तमाम शिव सैनिक भी हैं जो सुरक्षा के लिहाज से पहले से यहां पर मौजूद थे। और देखिए ये जो काफिला है इसी तरीके से निकलता चला जा रहा है ललित होटल के बाहर से। 10 लाख से ऊपर की कीमत वाली पहली तीन कार आगे, फिर लाखों की लग्जरी बस में बैठे शिवसेना के विधायक, और फिर विधायकों की बस के पीछे 13 गाड़ियों का सुरक्षा काफिला। शिवसेना के विधायक जिस होटल दललित से निकले वहां 50 विधायक अगर रुके तो प्रति कमरे दो विधायक के हिसाब से 25 कमरे लेने पड़े होंगे। तीन दिन रुके तो 25 कमरों का किराया करीब 13,50,000 रुपए पड़ने का अनुमान है। विधायकों की इसी होटल वाली पॉलिटिक्स को महाराष्ट्र में खेला जाता देख मुंबई के दत्तात्रेय ने एक मतदाता के तौर पर खुद को ठगा महसूस किया और चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी, बहुत हुआ मतदान। विधायक अगर होटल के कमरों से सरकार बना लेना चाहते हैं तो छीन लो एक वोटर के वोट देने का अधिकार। ये जो कैंडिडेट हैं उनको सेव करने के लिए जो हजारों करोड़ों रुपए जो मतलब उड़ाए जा रहे हैं राज्य में, इस होटल से उस होटल में, उस होटल से इस होटल में, और उनको सेव करने के लिए भगवान ही जाने कितने रुपए उड़ाए जा रहे हैं, वो पैसे जनता के काम के लिए लगाए जाते हैं। जैसे 14,000 फार्मर्स सुसाइड कर लिए ऑलरेडी पिछले 5 साल में, ठीक है। ये गुस्सा एक मतदाता का है, लेकिन भावनाएं महाराष्ट्र या देश के हर उस वोटर की जो ये मानता है कि सरकारें एक आम आदमी के वोट से बनती हैं। लेकिन जिस महाराष्ट्र में प्रति व्यक्ति कर्ज 40,000 रुपए है, उसी राज्य में सत्ता पाने के लिए शिवसेना ने अपने विधायकों को उस लेमन ट्री होटल में पहुंचा दिया जहां अनुमान है 25 स्टूडियो सुइट विधायकों के ठहरने के लिए बुक कराने पर एक दिन का किराया चुकाने में 5,25,000 रुपए खर्च हो जाएंगे। अब सवाल हुआ कि ऐसा क्या हो गया कि 4.5 लाख रुपए किराए के कमरों वाले होटल से अचानक शिवसेना ने अपने विधायकों को 5,25,000 के किराए वाले कमरे के होटल में शिफ्ट कर दिया। शिवसेना के संजय राउत ने बड़ी मासूमियत से कहा, देखो एक होटल का, एक बिजनेस का कुछ, हमारे पास 2 दिन का बुकिंग था, उनके और गेस्ट आने वाले हैं जो आज से उनका बुकिंग है, उनकी कमिटमेंट होती है, तो हम दूसरे होटल में जाएंगे, उसमें बड़ी बात क्या है। दावा है कमरों की बुकिंग खत्म होने से ज्यादा विधायकों की बुकिंग कहीं और ना हो जाए, डर ये रहा। तभी तो उद्धव ठाकरे तक 24 नवंबर को होटल द ललित पहुंचकर अपने विधायकों की सुरक्षा का खुद ख्याल करते नजर आए। होटल के कमरों से सत्ता की चादर बिछाने वाली इस कहानी में आगे बताएंगे महाराष्ट्र में क्या वाकई विधायकों के होटल के कमरों से गायब होने का डर है, किस पार्टी के विधायक अचानक मुंबई से दिल्ली के होटल में पाए गए। लेकिन पहले देखिए होटल के कमरों से सीएम की कुर्सी पाने वाली राजनीति। शरद पवार की पार्टी ने पहले रेनेसा होटल में अपने विधायक ठहराए थे जहां सुपीरियर रूम का अधिकतम किराया 12,500 रुपए प्रतिदिन है, जहां एनसीपी के 42 विधायकों के लिए 21 कमरे हुए होंगे तो किराया ही 2,62,500 रुपए देना पड़ा होगा। और फिर हायत होटल में विधायक ठहराने पर 20,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से 18 कमरों का किराया
3,60,000 रुपए प्रतिदिन देने में खर्च होंगे। इसके बाद शाम 7 बजे से 2,400 रुपए शाकाहारी कबाब की कीमत वाले हयात होटल में शक्ति प्रदर्शन वाला फोटो सेशन शुरू हुआ। हयात होटल में शिवसेना, शरद पवार के NCP और कांग्रेस ने लाखों के कुल किराए वाले होटल में ठहराए गए 162 विधायकों की ताकत का नमूना फोटो सेशन करके दिखाया। लेकिन जनादेश की जगह होटल के कमरों से सत्ता के सुई का सुख उठाने की ऐसी चाहत वाली राजनीति पर एक आम आदमी दत्तात्रेय पूछते हैं, वोट क्या जनता का पानी में चला गया? अगर सरकार होटल के कमरों से निकल कर बनेगी। सबको चाहिए मेरा मुख्यमंत्री होना चाहिए। विपक्ष में कौन बैठेगा, लोगों के प्रॉब्लम कौन उठाएगा, लोगों के साइड से कौन बोलेगा? अरे हर एक पार्टी सत्ता में बैठना ऐसे मान के चलेगी तो ये तो जनता की लड़ाई नहीं हुई ना, इनकी तो श्रेष्ठत्व की लड़ाई हुई। मैं श्रेष्ठ या तू श्रेष्ठ, बस श्रेष्ठत्व की लड़ाई हुई है। इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि हमने जो वोट किया ना, मतलब मैं अकेला नहीं बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र की सभी जनता बोलती है कि हमने जो वोट किया वो हमारा पानी में गया। हमने वोट किया उसका कोई मीनिंग नहीं है। सबको अपना मुख्यमंत्री चाहिए, इसीलिए आज हमने घंटी बजाओ शो के मुद्दे में कहा है कि ये गवर्नमेंट बिक गई है, जहां सरकार बनाने के लिए पैसा पानी की तरह होटल्स में बहाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है, विधायकों को होटल से बचाकर अपने अपने खेमे में लाया जा रहा है, और संविधान दिवस से पहले संविधान की हत्या के आरोप लगाकर भी राजनीति ही हो रही है। महाराष्ट्र में प्रजातंत्र की हत्या हुई है, जनादेश को धूमिल कर संविधान को पांव तले रोन दिया गया है। नाजायज भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार जी की अल्पमत वाली सांझी सरकार वहां बनाई गई है, जिन्होंने प्रजातंत्र को पांव तले रोंदा है, जनमत का अपहरण किया है, चीरहरण किया है। महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हुई है और उसको पकड़ लिया कांग्रेस पार्टी लालच के अनुसार, तो लोकतंत्र की हत्या कौन कर रही है? कांग्रेस पार्टी कर रही है। देश के संविधान दिवस यानी 26 नवंबर से ठीक पहले महाराष्ट्र में संविधान की हत्या, चीरहरण, अपहरण, क्या सब कुछ इसलिए मान लिया जाए क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ने अजित पवार के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की। लेकिन देखिए अब इन तस्वीरों, जिन विधायकों को जनता ने चुनकर भेजा वो सरकार बनाने के लिए आलीशान होटल के भीतर कसम पावर की खा रहे हैं। आदरणीय शरद चंद्र जी पवार, जिस जनता को दो वक्त की रोटी नहीं मिल पाती उसके वोट पर सरकार बनाने की शपथ ऐसे होटल में चल रही जहां 99% वोटर जिंदगी भर कमा कर भी दाखिल होने की नहीं सोच पाएगा। अगर आप की लड़ाई है तो सत्ता स्थापित करने से की सत्ता दोनों पक्ष पर नहीं, आप एक वाक्य है सत्यमेव जयते, ये सत्यमेव जयते असल में है, सत्तामेव जयते आप भूत देऊ शकत नाही, भूत देणार नाही, हे सांगा सत्ता प्रसिद्ध। जिस होटल में रोटी भी 300 रुपए की मिलती है वहाँ कांग्रेस, NCP, शिवसेना के विधायक सरकार बनाने की ताकत दिखाने जुटते हैं। जिस होटल में अरहर दाल एक प्लेट 750 रुपए की पड़ती है और आम मतदाता एक प्लेट दाल के पैसे तक नहीं दे सकता, ऐसे आलीशान होटल के हॉल में बैठकर सरकार बनाने की कसम 3 दलों के विधायक खा लेते हैं। तो अब आपको जानना जरूरी है कि आखिर देवेंद्र फडणवीस की शपथ के बाद से अपने अपने विधायकों को होटल के कमरों में छिपाकर क्यों उद्धव पवार और सोनिया गांधी ने रखा, और क्यों होटल हयात में शाम को 162 विधायकों की ताकत का पोस्टर बनाकर
शक्ति प्रदर्शन का दावा हुआ। सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार सुबह 10:30 बजे दरअसल फैसला ये सुनाना है कि फडणवीस सरकार का फ्लोर टेस्ट कब होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले विधायकों का बहुमत होटल में दिखाने की कोशिश कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने की है, ताकि बीजेपी अजित पवार की सरकार की अनैतिक संविधान विरुद्ध छवि राजनीतिक रूप से दिखाई जा सके। एकजुटता दिखाने की दूसरी वजह है शरद पवार की पार्टी के दो विधायक जिनका नाम है अनिल पाटिल और दौलत दरोड़ा, जिन्हें आरोप है अजित पवार ने बरगलाकर मुंबई से दिल्ली के होटल में पहुंचा दिया, जहां दावा है बीजेपी कार्यकर्ताओं के घेरे में ये विधायक रखे गए थे। जो हमारे विधि मंडल के गठन नेता है अजित दादा पवार साहब ने हमें संदेशा दिया, 7:00 बजे हम लोगों को मिलना है। नेता का आदेश आने के बाद में प्रथम काम है, कर्तव्य हमारा कि वहाँ जल्द से जल्द पहुँचे, 7:00 बजे पहुँचे, शपथ विधि हुआ, उसके बाद में हमें कुछ लोग एयरपोर्ट के तरफ लेके गए, वहाँ से हम दिल्ली गए और दिल्ली जाने के बाद में शाम को जब पता चला कि अपनी पार्टी की भूमिका हमने शरद पवार साहब से बात करने के बाद में पूछने को ना, हमने तुरंत संपर्क किया, उनसे बात की, पवार साहब ने हमें साफ बता दिया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना को मिलके ही अपने को आगे सरकार बनानी है, उनके साथ रहना है। हमने उनकी बात सुनने के बाद में उन्हें तुरंत पूछा कि सर हम साहब हम लोगों को तो वापस आना है, हमको पार्टी के साथ में ही रहना है। उन्होंने हमें आश्वस्त किया चिंता करने की जरूरत नहीं, आप वहाँ से जल्द निकलोगे, उस तरीके से प्रबंध हमें पवार साहब ने कर दिया और वहाँ से निकल आए। दावा है कि एनसीपी के इन दो विधायकों को बीजेपी के खेमे से वापस मुंबई में पवार के खेमे में लाने की जिम्मेदारी एनसीपी की युवा इकाई की नेता सोनिया दुहन ने निभाई। हम लोगों ने इनको होटल से निकाला, 5th फ्लोर से हम लोग ग्राउंड फ्लोर पे लेके आए, इन लोगों को हमने पीछे के दरवाजे से एस्केप किया, पीछे के दरवाजे से निकाला जो कि इन लोगों के एम्प्लॉयज की एंट्री होती है, उस वहां से हम लोगों ने निकाला। कुछ लोगों ने हमें होटल से भी मदद की, हमारे लोग भी थे, हमारी टीम भी वहां पे थी, वैसा नहीं है तो बचने बचाते हुए हम लोग पीछे के दरवाजे से इनको लेके, यानी महाराष्ट्र में होटल होटल घूमते विधायकों के पीछे उन्हें सत्ता के सौदे से बचाने की कोशिश हो रही है, यानी जनता की वोट की कीमत कुछ नहीं। इसीलिए एक आम आदमी दत्तात्रेय ने सीधे चुनाव आयोग को लिख दिया कि जब सरकार होटल के कमरों में रखे गए विधायकों के दम पर ही बननी है और जनता के वोट के दम पर नहीं, तो आम आदमी से वोट देने का अधिकार ही छीन लीजिए।